हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना खजाना में। मैं आज बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़े की रेसिपी एंड आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसे बनाना भी बेहद आसान है, आप घर पे बेसिक से इंग्रेडिएंट्स से इतना टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बना के तैयार कर पाएंगे। चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छे सॉफ्ट ब्रेड पकौड़े बन के तैयार हुए, हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे और घर पे आप साफ़ सुथरे तरीके से इसे बना भी पाएंगे। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 कप बेसन और 1 टीस्पून भर के मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ऐड करूँगी यहाँ पे मैं चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर या अमचूर पाउडर में से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके बाद पानी डाल के मैं इसका एक अच्छा सा पतला सा बेसन तैयार कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप पकौड़ी का बेसन तैयार करते हैं उससे ये मोटा रहेगा ताकि अच्छी सी लेयर सी मोटी सी लेयर लग जाए ब्रेड पकौड़े पे। तो हम एकदम से सारा पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसका जो बेसन है वो थोड़ा मोटा तैयार करना होता है। पकौड़ी से डबल से भी ज़्यादा मोटा तैयार होगा बेसन ताकि एकदम मोटी सी लेयर जो है ब्रेड पकौड़े पे लगे। मैं कंटिन्यूस में पानी डाल रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कंसिस्टेंसी क्या है बैटर की। तो ऐसे मिक्स करते रहना ताकि जो इसमें लम्स होते हैं वो बिल्कुल ना रहे, एकदम स्मूथ सा बेसन जो है तैयार हो जाए कुछ इस तरीके का। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एकदम गाढ़ा सा बेसन तैयार हो गया है, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे आलू उबाल के रखे हैं, 7-8 आलू को मैंने उबाल के रख दिया था रात में फ्रिज में। अब मैं यहाँ पे आलू जो है छील ले रही हूँ। सारे आलू को हम ऐसे छील लेंगे। और आलू को करना है हमें अच्छे से मैश। देखिए आलू मैंने यहाँ पे छील लिए हैं, अब हम आलू को मैश करेंगे यानी इसका एक भरता टाइप का तैयार करेंगे, यानी हम ब्रेड में भरने के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। तो हम जो यहाँ पर आलू का भरता तैयार कर रहे हैं बहुत ही सिंपल और टेस्टी सा भरता बनके तैयार होगा। ये भी घर के इंग्रेडिएंट से ही बनके तैयार हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आलू को बहुत ही अच्छे से फोड़ लेना है छोटे छोटे पीसेस में, ज़्यादा बड़े बड़े ना रहे आलू के पीसेस। तो देखिए वो इस तरीके से। इसके बाद मैंने फ्रेश कटा हुआ धनिया अच्छे से वॉश करने के बाद कट करके ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे 7 से 8 कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करूँगी। हरी मिर्चों को बिल्कुल अच्छे से बारीक करके कट कर लेना है कुछ इस तरीके से, बीच में से कट लगाने के बाद छोटे छोटे पीसेज में कट करके ऐड कर देना है हरी मिर्च को। तो देखिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च को ऐड कर दिया। इसके बाद मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ हल्का सा, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ज़ीरा ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून से भी कम ज़ीरा ऐड किया है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। तभी मैंने एक पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म होने रख दिया है, तब तक जो मैंने यहाँ पर आलू मसाले ऐड किए थे इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। और एक तरफ हमारा ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म हो रहा है। तो देखिए मैंने भरता बना के तैयार कर लिया एकदम हलवाई स्टाइल। इसके बाद मैं आलू जो है ब्रेड पे इस तरीके से लगा दूंगी। मैं आपसे पहले ही सजेस्ट कर रही हूँ कि आलू की जो परत आप लगाते हैं ब्रेड पे वो बहुत पतली होनी चाहिए, तभी जो है ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छा बन के तैयार होता है और ये फटता भी नहीं है। तो बहुत ही पतली सी परत लगानी होती है हमें आलूओं की, ठीक है कुछ इस तरीके से।
तो मैं एकदम अच्छी तरीके से सीक्वेंस में लगा दे रही हूँ आलू की परत। इसी तरीके से मैं बाकी के ब्रेड भी तैयार कर ले रहे हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है हमारा, मैंने हाई फ्लेम पे कर रखा है ऑयल को। तो इस तरीके से हम ब्रेड पकौड़ों को ऐड करेंगे पैन में और दोनों साइड से हम इसे फ्राई करेंगे। पहले हम इसे एक साइड से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक, उसके बाद हम पलट के दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। और जब एकदम क्रिस्पी होकर फ्राई हो जाएगा तब हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए मैंने इसको पलट दिया है ब्रेड पकौड़े को, दोनों तरफ से पलट के हम इसको अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। ब्रेड पकौड़ों को फ्राई करना बहुत आसान होता है। मेरी जो कढ़ाई है ये बहुत ही छोटी है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि एक ही एक ब्रेड पकौड़ा फ्राई करूँ, क्योंकि मैं पूरे पूरे ब्रेड को तल रही हूँ ना, बाद में कट करूँगी इन्हें। और इससे और भी बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाते हैं। और ज़्यादा ब्रेड पकौड़े हों तो बिल्कुल ऐसे ही बनाने चाहिए जैसे मैंने बनाए हैं। और अब मैं इन्हें कट कर लूँगी, तो आप देख सकते हैं इतना स्मूथली यानी इतने टेस्टी ब्रेड पकौड़े बने, बिल्कुल भी ऑयल भी नहीं गया है इसके अंदर में, और बहुत ही क्लियर एकदम टेस्ट आया है इसका, बहुत यम्मी टेस्ट था इसका। सबने मेरी बहुत तारीफ़ की कि भाई सच में सामिया हलवाई से भी 10 गुना ज़्यादा अच्छे टेस्टी ब्रेड पकौड़े घर पर बना लेती हैं। तो आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। चाहे तो हरे धनिया की चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ सर्व करें, मुझे तो ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगे थे, ज़रूरत भी नहीं है कोई चटनी वटनी की। और जो छोटे छोटे भांजी भांजे हैं उन्होंने खाया था टमाटो सॉस के साथ में। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।